आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो लास्ट वीडियो में हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया हुआ है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो उसको यूज करके हमको इवेल्युएट क्या क्या करना है, दो चीजें इवेल्युएट करनी है। पहली 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये दो वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दिया क्या है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, क्या दिया हमको क्वेश्चन में, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कॉट थीटा है उसके हेल्प से हम लोग पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो एज वी नो कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कॉट थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन, और एडजेसेंट होगा 7 और अपोजिट होगा 8। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, जैसे हमको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है, तो यहाँ पे हमारा एंगल है राइट एंगल। अब अपने थीटा यहाँ पे कंसिडर करते हैं, थीटा कहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। अब कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो उसमें थीटा मतलब एडजेसेंट क्या होगा 7 और थीटा का जो अपोजिट होगा वो होगा 8, तो ये रहा थीटा, तो इसका एडजेसेंट क्या है ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी 7। वैसे ही थीटा का अपोजिट क्या है बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी 8। अब पाइथागोरस से सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। तो कैसे, इस तरीके से हमको लिखने का पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, ए सी इज अ हाइपोटेनियस, फिर एक और लाइन लिखने के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू क्या है 7, बी सी की वैल्यू क्या है 8, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 49 प्लस 64 दैट विल बी 113, तो 113 किसी का स्क्वायर नहीं तो हो जाएगा रूट 113, तो चलो एसी की वैल्यू आ गई रूट 113। अब एसी की वैल्यू हमको मिल गई, अब सिंप्लीफाई क्या करने को बोला है हमको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये सिंप्लीफाई करने से पहले हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बाद में उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमको मालूम है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोसाइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन, यहां पे थीटा का अपोजिट क्या है बीसी, हाइपो क्या है एसी, बीसी की वैल्यू क्या है यहां पे हमारे पास 8, एसी की वैल्यू क्या है रूट 113। वैसे क्या करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो, थीटा का एडजेसेंट क्या है एबी, हाइपो क्या है एसी, एबी की वैल्यू क्या है 7, एसी की वैल्यू क्या है रूट 113। अब चलो अब इवेल्युएट करना है, तो पहले क्या इवेल्युएट करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप अगर ध्यान दोगे तो न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट है, दोनों के टर्म सेम है बट एक में प्लस और एक में माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 द स्क्वायर माइनस साइन द स्क्वायर, और सेम इधर 1 द स्क्वायर माइनस कॉस द स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब हम लोग यहां पे इसके अंदर साइन और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन की वैल्यू क्या है 8 अपॉन रूट 113, तो 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 द स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस की क्या है 7 अपॉन रूट 1, तो 7 अपॉन रूट 113 द स्क्वायर। अब 1 का 1 तो ऐसे 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 का 113। अब न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, मतलब ऊपर का ऊपर एलसीएम नीचे का नीचे, तो ऊपर क्या होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और नीचे 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, तो 113 माइनस 64 दैट इज 49, 113 माइनस 49 दैट विल बी 64। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू
माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, 49 अपॉन 64। अब इसी के अंदर एक और हमको पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में कॉट की वैल्यू दी गई है, तो डायरेक्टली उसका स्क्वायर करना है। तो डायरेक्टली 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 49 अपॉन 64। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, क्या दिया हमको कंडीशन, 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर, क्या चेक करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो सबसे पहले जो हमको दिया है, क्या दिया है, 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे cot की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे cot a विल बी इक्वल टू 4/3, तो cot a क्या हो जाएगा 4/3। अब ये जो cot a की वैल्यू है उसको यूज करके हम लोग पहले ट्राइंगल के तीनों साइड्स फाइंड करेंगे। तो जैसे हमको मालूम है cot, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot a विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, और cot a की वैल्यू क्या है, 4/3। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल लेता हूं जिसमें बोला है cot a, तो देखो a के अलावा हम किसी को भी राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हैं, हम लोग a को राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल नहीं ले सकते। तो a के अलावा मैंने b को राइट एंगल लिया है, और ये जो एंगल है वो कहां पे फॉर्म हो रहा है, a पे। अब जो a है उसका एडजेसेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4, और a की अपोजिट की वैल्यू होनी चाहिए 3। तो ये रहा हमारा एंगल a, a का एडजेसेंट कौन है, ab, तो ab की वैल्यू क्या होगी, 4, और वैसे ही a का जो अपोजिट है उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 3, तो bc की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमको यहाँ पे ac की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमको लिखने का, इन ट्राइंगल abc एंगल b इज इक्वल्स टू 90, ac इज अ हाइपोटेनियस, फिर एक और स्टेटमेंट आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, तो ac स्क्वायर इक्वल्स टू 4 द स्क्वायर प्लस 3 द स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, देयरफॉर ac इज इक्वल्स टू 5। तो चलो ac आ गया हमारे पास 5। अब हमको क्या वेरीफाई करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। मतलब ये वेरीफाई करने से पहले हमारे पास tan a, cos a और sin a, ये तीनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले हम लोग तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे हमको मालूम है साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रहा हमारा एंगल ए, ए का अपोजिट क्या है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, बी सी की वैल्यू क्या है 3 और ए सी की वैल्यू क्या है 5। फिर क्या आएगा कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब देखो एंगल ए का एडजेसेंट क्या है यहाँ पे ए बी, हाइपो क्या है ट्रायंगल में ए सी, ए बी की वैल्यू क्या है 4, ए सी की वैल्यू क्या है 5, और वैसे ही क्या करेंगे टेन ए, टेन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ए का, ए का अपोजिट क्या है बी सी, एडजेसेंट क्या है ए बी, ए बी बी सी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू 4, तीनों वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू हम लोग 1/1 पुट करेंगे। तो देखो हमको यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो पहले क्या लेंगे LHS, सो दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सो 1 माइनस, अब tan की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 अपॉन 4 द स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 द स्क्वायर, तो 1 एज 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे LCM लेंगे, तो देखो LCM लेंगे तो क्या होगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, और नीचे 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब यहाँ पे 16 16 कट, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 दैट विल बी 7, 16 प्लस 9 दैट विल बी 25, ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 1। अब वैसे ही अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, RHS को। तो RHS क्या दिया हमको यहाँ पे, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज 4/5,
फोर बाय फाइव द स्क्वायर, और साइन की वैल्यू क्या है, थ्री बाय फाइव द स्क्वायर। तो फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25, थ्री का स्क्वायर 9, फाइव का स्क्वायर 25, बेस सेम है, तो माइनस 16 माइनस 9 बाय 20, दैट इज 7 बाय 25, रिजल्ट नंबर 2। तो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, तो रिजल्ट 1 और 2 के हिसाब से LHS will be equal to RHS and hence verified.